हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। तो दोस्तों, जो आज आपके लिए मैं टॉपिक लाया हूँ वो है MWC के बारे में। तो दोस्तों, जो MWC है वो वर्ल्ड में जो मोबाइल कांग्रेस होती है उसके लिए माना जाता है। और दोस्तों, उसमें आपको काफ़ी इनोवेशन प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, जो उसमें प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं वो न्यू न्यू इन्वेंशन और न्यू न्यू इनोवेशन के थ्रू आपको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, आपको उसमें काफ़ी यूनिक चीज़ें देखने को मिल जाती है जो कि फ्यूचर में स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखने को मिलेगी कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसिंग, उसके बाद आपको मिलेगा 5G। और दोस्तों, उसके साथ साथ आपको कई और चीज़ें भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसिंग वैसे तो सैमसंग की है, लेकिन दोस्तों आपको आने वाले टाइम में और स्मार्टफोन्स में भी उनका पेटेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, भले ही MWC में इस बार अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसिंग नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो सैमसंग है वो MWC में नहीं जाता, वो अपना ही शो ऑर्गेनाइज करता है। तो दोस्तों, इस तरह से MWC में इस बार तो नहीं है, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में या फिर जल्दी ही उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लाने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसिंग। जो दोस्तों अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसिंग है वो काफ़ी इनोवेशन वाला प्रोडक्ट है। और दोस्तों, उसके साथ साथ इस बार 5G आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 5G आपको जल्दी न्यू स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अभी शाओमी ने भी अपना जो मिक्स सीरीज़ का स्मार्टफोन लाया है न्यू, तो दोस्तों उसमें आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और दोस्तों, जो 5G स्मार्टफोन है उसका वैसे तो अभी तक कोई ISP नहीं है जो उसको मतलब कि इंटरनेट प्रोवाइड करे। तो दोस्तों, 5G आपको फ़ोन में देखने को मिलेगा फिजिकली, लेकिन दोस्तों वो प्रैक्टिकली इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी तक मतलब कि सिम तैयार नहीं है जिसमें कि आपको 5G देखने को मिलेगा। और दोस्तों, वो बेसिकली जो अमेरिका साइड के मतलब कि मार्केट है उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि सबसे पहले अमेरिका में 5G आएगा। और दोस्तों, ओप्पो ने भी 5G लाया है, और दोस्तों आने वाले टाइम में हर एक स्मार्टफोन 5G लाएगा। और दोस्तों, जो 5G आएगा तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आने वाले टाइम में जो 5G होगा वो हर एक जगह पे आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें 5G के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही है, क्योंकि दोस्तों जो मार्केट में इंडियन मार्केट में अगर सिम्स तैयार होती है तो दोस्तों 5G से काफ़ी बड़ा बेनिफिट ना केवल बाहर की कंपनीज़ को मिलेगी, लेकिन दोस्तों जो इंडियन कंपनीज़ है उसको भी 5G से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो 5G है, जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कि जो 4G है उससे ही मतलब कि जो मार्केट है इंडियन कंपनी स्मार्टफोन्स का वो छूट गया है। और दोस्तों, 5G में उनके पास एक ऐसा चांस आता है जिसमें कि वो बाउंस बैक कर दे, और दोस्तों अगर वो बाउंस बैक कर देते हैं तो उनको एक ऐसा चांस मिल जाता है कि हर एक स्मार्टफोन में सबसे प्रॉफिटेबल स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जियो फ़ोन आने वाला है, और दोस्तों वो भी है एंड्रॉयड स्मार्टफोन। तो दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन की मार्केट में अगर जियो फ़ोन आएगा और दोस्तों मतलब कि अपने देश का स्मार्टफोन हो, तो दोस्तों उसको मतलब कि प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो उसका कस्टमर बेस होगा वो इंडियन स्मार्टफोन की ओर बढ़ सकता है, अगर दोस्तों वो काफ़ी अच्छे आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करे और आपको काफ़ी मतलब कि एक्सपीरियंस अच्छा दे दे। तो दोस्तों, आपको डेफिनेटली जो स्मार्टफोन है वो इंडियन स्मार्टफोन मतलब कि जियो आपको देखने को मिल सकता है, और काफ़ी अच्छा इनोवेशन माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बात करते हैं अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसिंग, तो दोस्तों जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसिंग है वो अभी तो MWC में नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर वो मार्केट में आती है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो आ जाता है जो मतलब कि टेम्परेड ग्लास या फिर स्क्रीन गार्ड आप फ़ोन में लगाते हो, क्योंकि दोस्तों वो उसको सेंस नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, वो सबसे बड़ा चुनौती हो सकता है आने वाले स्मार्टफोन में। तो दोस्तों, MWC में जो आपको अपडेट जो अपडेट आते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि उसके लिए क्या पॉसिबल चीज़ है मार्केट में आकर, और क्या मतलब कि काम पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा है वो इनोवेशन। तो दोस्तों इस साल आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ इनोवेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हर एक जो सेगमेंट है स्मार्टफोन के, आपको हर एक जगह पे कुछ ना कुछ इनोवेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि बेजल लेस स्क्रीन है। दोस्तों, जो
अभी शाओमी ने आपके सामने लाई है बेजल लेस स्क्रीन। तो दोस्तों वो भी एक काफ़ी न्यू इनोवेशन है और काफ़ी अच्छा इनोवेशन मान सकता हूँ मैं उसको, क्योंकि दोस्तों इस टाइप की इनोवेशन आज तक किसी कंपनी ने नहीं लाई है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे मेरे चैनल बी टेक, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।